हेलो फ्रेंड्स, इनोवा अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम रमन गर्ग है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको ट्राई के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, ट्राई का फॉर्म्ड जो हुई थी फॉर्मेशन वो 20 फरवरी 1997 को हुआ था दोस्तों। और जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग, जो ट्राई का एक्ट है वो जाना जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट है ट्राई की, www.trai.gov.in है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव है जो दोस्तों इसका ट्राई का, ये होता है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट देना होता है इंडस्ट्री को, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करे एंड एक फेयर कंपटीशन को फैसिलिटेट करे मार्केट में, जिससे कि कंपटीटर को और कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, अगर ट्राई के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये एडमिनिस्टर्ड होता है सेक्रेटेरिएट के थ्रू, जो कि हेडेड बाय अ सेक्रेटरी होता है दोस्तों। और यदि डिवीजन के बारे में बात करें दोस्तों इसके, तो बेसिकली ट्राई को एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स की वर्किंग के हिसाब से 9 डिवीजन में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है दोस्तों मोबाइल नेटवर्क डिवीजन, सेकंड फिक्स्ड नेटवर्क डिवीजन, थर्ड कन्वर्ज नेटवर्क डिवीजन, फोर्थ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिवीजन, फिफ्थ है ब्रॉडकास्ट एंड केबल सर्विसेज डिवीजन, सिक्स्थ है इकोनॉमिक डिवीजन, सेवन्थ है फिनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरनल फिनेंस एंड अकाउंट डिवीजन, एट्थ है लीगल डिवीजन, नाइन्थ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिवीजन। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में ट्राई के बारे में कुछ बेसिक्स बातें पता लग गई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।